हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट इंप्रेशन फॉर अ फेशियल किट विच इज बाय रूप मंत्रा। एंड टुडे आई हैव द फ्रूट फेशियल किट वेरिएंट विद मी। एंड यस, ये मुझे पीआर ही रिसीव हुई है एंड आज मैं इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और ट्राई करके देखेंगे कि इसके लाइव रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो इट्स अ मिनी फेशियल किट जो कि इस तरह से पैक होके आती है। ये इसका इंटरनल पैकेज है। 5 डिफरेंट टब्स हैं हमारे पास जिसमें कि हमें क्लेंजर, स्क्रब, मसाज जेल, फेस पैक और मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलती है। 5 स्टेप फेशियल किट है, मिनी फेशियल किट है ये। एंड इसका MRP है 398 रुपीज और इसका शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स का फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। और प्रोडक्ट क्लेम करता है हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लैमिशेज, रिंकल्स, फाइन लाइन्स एंड डार्क स्पॉट्स, और ग्लो देता है, स्किन का रेडियंस बढ़ाता है, लस्ट्रस स्किन में हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो इम्प्रूव करता है, प्रीमेच्योर एजिंग से प्रिवेंट करता है, न्यू सेल्स जो है उनको स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स टू रिपेयर सन डैमेज एंड पॉल्यूशन कॉज्ड टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन स्किन। तो क्लेम्स तो इसके काफ़ी अच्छे हैं एंड पर्सनली स्पीकिंग जब मैंने इसे खोला तो इसका फ्रेग्रेंस भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। सो ये थे इसके क्लेम्स और प्रोडक्ट्स। सो प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो है 15 ml और 15 g का प्रोडक्ट है, यानी कि एक टब जो है उसमें हमें 15 ml का प्रोडक्ट मिलता है। स्टार्ट करते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 से। तो स्टेप नंबर 1 इज क्लेंजिंग और इसमें हमें मिलता है रूप मंत्रा क्लेंजिंग मिल्क जो कि है नॉन फोमिंग क्लेंजिंग मिल्क एनरिच्ड विद गुडनेस ऑफ ग्रेप सीड एंड वाटरमेलन, जो कि स्किन में पेनिट्रेट करके जेंटली रिमूव करता है स्किन इम्प्योरिटीज को और क्लीन करता है, हेल्दी ग्लोई स्किन देता है। सो इसको बस अप्लाई करना है, 2-3 मिनट्स तक मसाज करना है एंड देन हमें इसे वाइप ऑफ कर लेना है या फिर वॉश कर लेना है। स्पैचुला नहीं है हमारे पास इसलिए मैं स्पून यूज कर रही हूँ। सो ये रहा हमारा प्रोडक्ट जिसे कि मैं डायरेक्टली हाथ पे लेके अब फटाफट क्लेंस कर लूंगी अपना फेस। सो क्लेंजिंग इज डन और अब बारी है स्टेप नंबर 2 के विच इज फेस स्क्रब। अब हम करेंगे स्क्रबिंग और अगेन पहले इसके स्क्रब के जो क्लेम्स है वो पढ़ लेते हैं। अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉबेरी एंड एप्पल ऑलिव ऑयल वीट्रम ऑयल विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू योर स्किन एंड ऑल्सो कंटेन्स माइक्रो ग्रैन्यूल्स दैट जेंटली एक्सफोलिएट स्किन। सो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल लेती हूँ इसमें से। सो अब स्क्रब स्टार्ट करते हैं। इसका भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है एंड पर्सनली स्पीकिंग तो ग्रैन्यूल्स हल्के से हार्ड है। आई थिंक वॉलनट ग्रैन्यूल्स होंगे क्योंकि वो नेचुरल एक्सफोलिएटर्स होते हैं। तो या मुझे वॉलनट ग्रैन्यूल्स ही लग रहे हैं या फिर ग्रेन्स भी होते हैं, वो भी हो सकते हैं। तो पर फिर भी स्किन पे काफ़ी जेंटल है। मसाज जेल एंड इसमें ये क्लेम करता है कि ये कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है और इट कंटेन्स एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ऑरेंज एंड पपाया विच हेल्प्स टू फेड अवे स्किन पिगमेंटेशन एंड इवन आउट स्किन टोन एंड इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। तो इसको भी यूज करने का वे एक ही है कि आपको इसको थोड़ा सा क्वांटिटी लेना है एंड अपने फेस पे और नेक एरिया पर मसाज करना है। इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा अलग सा है, आई डोंट नो क्यों, पर इसका फ्रेग्रेंस मुझे अच्छा नहीं लगा। बट या पपाया और ऑरेंज बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, स्किन को लाइटन करने के लिए। तो अब हम इसको भी मसाज कर लेते हैं अपने फेस पे। कंसिस्टेंसी परफेक्ट है इसकी, लाइक बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, लाइक एलोवेरा जेल जो बहुत थिन होता है। काफी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी।
मसाज जेल मैंने जो है वो रिमूव कर लिया है। अब बारी है स्टेप नंबर 4 की, यानी कि मास्किंग की। तो मास्क में ये क्लेम करते हैं कि मास्क हैज पाइनएप्पल एंड पीच एक्सट्रैक्ट्स, जो कि ओपन करता है क्लॉग पोर्स को, सन डैमेज को हटाता है, स्किन को स्किन टोन को इवन आउट करता है, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करता है, प्लस जो अर्ली एजिंग साइंस होते हैं उनको भी आने से रोकता है। सो अब हम अप्लाई कर लेंगे मास्क। तो मास्क का कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छा है। आई थिंक आई शुड यूज़ अ ब्रश। अभी तो ब्रश नहीं है मेरे पास, तो इसको भी मैं ऐसे थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। सो ये रहा मेरा मास्क, जो कि मैंने ड्राई आउट भी कर लिया है। एंड आई एम सॉरी फॉर द लाइटनिंग, क्योंकि लाइट चली गई है। तो अभी मैं मास्क उतार के आती हूँ और उसके बाद हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने मास्क भी रिमूव कर लिया है एंड थैंक गुडनेस लाइट आ गई, नहीं तो मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। लास्ट स्टेप इज मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि 5th स्टेप है। ये क्लेम करते हैं कि इट हैज मलबरी एंड चेरी एक्सट्रैक्ट, जो कि डल, ड्राई और लाइफलेस स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करते हैं, प्लस नेचुरल सेल रिन्यूअल प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं, डीपली कंडीशन करते हैं स्किन को, और स्किन को सॉफ्ट और सपल और स्मूथ बना देते हैं। तो लास्ट स्टेप इज क्रीम। तो ये नॉर्मली क्रीम आप अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, जब आपका लाइक खत्म हो जाएगा फेशियल, तो आप स्किन को एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट स्टेप भी कंप्लीट। काइंड ऑफ थिक क्रीम है, तो आप थोड़ी लेना, मैंने बहुत ज्यादा ले ली है। तो इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ही इजीली आपके फेस पे ये ब्लेंड हो जाती है। एंड जैसे जैसे लाइक वो होता है ना बॉडी हीट और हाथ और गालों के बीच में हीट आती है, तो ये हल्की जैसे मेल्ट काइंड ऑफ कह सकते हो आप हो जाती है, तो वैसा फील आ रहा है एंड काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। बाकी यस, अब आते हैं इस प्रोडक्ट के क्लेम्स की तरफ और इसके वर्क की तरफ। तो आप यस देख सकते हो लाइक वीडियो के स्टार्ट में जाके कि मेरा फेस और स्किन जो था वो कैसा था और अभी कैसा है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे मेरा फेस जो है वो ग्लोई लग रहा है, एंड टच करने के बाद सच कहूँ तो ज़्यादा आजकल अपना फेस ना टच करें। आई नो कोरोना वरोना फैला हुआ है तो ज़्यादा फेस नहीं टच करें, बट अभी टच करने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि मुझे काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है। प्रोडक्ट ने क्लेम किया था ग्लोई, रेडिएंट एंड लस्ट्रस स्किन, तो वो डेफिनेटली करता है। फाइन लाइन रिमूव करता है, जब आप स्किन को मसाज देंगे तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा फाइन लाइन जो है वो नहीं आएंगे, और डार्क स्पॉट्स भी जो है वो धीरे धीरे लाइट फेड हो जाएंगे, लाइटन हो जाएंगे। एंड यस 4 to 5 times के लिए ये काफ़ी अच्छी किट है और प्राइस में भी काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप सैलॉन्स जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी लाइक 500 तो एक फेशियल का पे करना ही पड़ेगा, तो 395 में आपको ये लाइक 4 to 5 फेशियल्स बड़े आराम से घर पे कर सकते हो आप, या फिर अगर आप 4-5 लोग हैं जो घर पे करना चाहते तो उनके लिए ये एक किट काफ़ी है। प्लस या एक वीक पॉइंट है यहाँ पे कि इसके साथ स्पैचुला नहीं आता है, बट कोई बड़ी बात नहीं, आप स्टेनलेस स्टील का स्पून यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसे क्लीन करना बहुत ही आसान होता है और इजीली घर पे वो क्लीन हो जाते हैं। मेरे हाथ में जो है वो मिनी है, बट आपको फुल साइज प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक वो 900 या फिर 1000 के आसपास का प्रोडक्ट है, बट अगर आप इससे ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मिनी फेशियल किट ट्राई करें। सो ट्राई करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यस, दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें आपका फेवरेट फेशियल किट कौन सा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को हिट कर दे, IG फैम को भी ज्वाइन कर ले। आई विल कैच यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।